पांच राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ ममता ने बनाया खास प्लान। क्या पांच राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ खेला करने के मूड में है दीदी? पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच रिश्ते इन दिनों बेहद तल्ख नजर आ रहे हैं। खासकर बंगाल चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस टीएमसी प्रमुख को फूटी आंख नहीं सुहा रही। कहा जा रहा है कि आगामी पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों के बीच कड़वाहट और बढ़ सकती है। गोवा और मणिपुर में तो टीएमसी सीधे तौर पर चुनाव में है, लेकिन जहां चुनावी मैदान में नहीं है वहां भी कांग्रेस के खिलाफ दूसरे गैर बीजेपी दलों के साथ जाकर खेला करने के मूड में है। जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक टीएमसी की तरफ से संकेत है कि यूपी में समाजवादी पार्टी पंजाब और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर सकती है। खबर है कि यूपी में तो दीदी का समर्थन हासिल करने के बदले अखिलेश टीएमसी के कुछ नेताओं को टिकट भी दे सकते हैं। खबर है कि गठबंधन को लेकर पिछले दिनों ममता और अखिलेश के बीच फोन पर बातचीत भी हुई है। गोवा में चर्चा थी कि टीएमसी कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने अपने एक ट्वीट में लिखा है, ऐसी अफवाहें थीं कि गोवा में टीएमसी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी के साथ हुई मीटिंग में इस बात की कोई चर्चा नहीं हुई। तो इस तरह की अफवाहें निराधार हैं। कांग्रेस पार्टी आत्मविश्वास से भरी हुई है, हम गोवा को फिर से वापस हासिल करेंगे। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पिछले कुछ वक्त से कांग्रेस को झटके पर झटका दे रही हैं। अभी कुछ वक्त पहले ही ममता बनर्जी हरियाणा और यूपी में कांग्रेस के कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा चुकी हैं। यूपी में एक समय कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे कमलापति त्रिपाठी के परिवार ने पिछले दिनों टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की। इसी परिवार को टीएमसी के कोटे से समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने की बात कही जा रही है। इस बाबत अखिलेश और ममता के बीच बात भी हो चुकी है। जानकारों की माने तो टीएमसी जिस तरह कांग्रेस के पीछे हाथ धोकर पड़ी है उससे कांग्रेस का भड़कना स्वाभाविक है। यानी साफ है कि ममता बनर्जी जिस तरह चुनावी प्रदेशों में कांग्रेस के खिलाफ गैर बीजेपी दलों के साथ हाथ मिला रही हैं उससे कहीं न कहीं कांग्रेस का ही नुकसान होगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।